सरकार तो मोदी जी की है। अच्छा केजरीवाल आपको अच्छे कैंडिडेट नहीं लग रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में? अब क्या बोल सकते हैं, बस हमें तो मोदी जी पसंद है। हमें तो उनका काम बहुत अच्छा, महिलाओं को लेकर के बीजेपी बहुत काम कर रही है सुनने में आ रहा है। हाँ बहुत बहुत। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल के लिए ठीक है, वो इंडिया पूरा प्रधानमंत्री को नहीं बन सकता वो। योगी जी का कामकाज कैसा है? बहुत बढ़िया है जी, हम लोगों को काम करने के लिए अब यूपी में रोजगार मिल रहा है, पंजाब में रहते थे वहाँ से यही रोजगार मिल गया। बहुत अच्छा चल रहा है। अगली बार आएंगे या फिर कोई और सरकार? मोदी जी आएंगे। राहुल गांधी? नहीं। मंदिर बनाने से तो कईयों के रोजगार मिल गए हैं, कईयों को रोजी रोटी मिल गई है, कईयों के काम चालू हो गए हैं, कईयों के चूल्हे जल रहे हैं। आज मोदी जी है तो उनको सभी को ही व्यवस्था मिल रही है, सुख सुविधाएं मिल रही है। बहुत 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 अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। तो आपको लगता है मोदी जी आएंगे या फिर राहुल गांधी? 4000 वोटों से भी ज्यादा वोट से आएंगे मोदी जी। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लोकसभा चुनावों को लेकर के इस वक्त देश का माहौल बेहद छाया हुआ है और ऐसे में तमाम पार्टियां इसी जद्दोजहद में लगी हुई है कि इस बार उनकी सरकार बने। तो वही बात अगर हम मोदी सरकार की करें तो प्रधानमंत्री मोदी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बेकरार है। ऐसे में हम तमाम जगहों पर जाकर के जनता का मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में हम चुनावी सफर तय करते हुए आ पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश की अयोध्या नगरी। ये भगवान राम की जन्मभूमि है और रामलला की नगरी है। ऐसे में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद सही लगातार ये जो नगरी है और भी ज्यादा सियासी रूप की वजह से एक नया मुद्दा बना हुआ है। और ऐसे में यहाँ पर हम बात समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर बीएसपी की बात करें या बीजेपी की बात करें, इन्होंने अपने अपने नेताओं को यहाँ पर मैदान में उतारा है। बात अगर हम बीजेपी की करें तो एक बार फिर से उन्होंने लल्लू सिंह को यहाँ से टिकट दिया है। दो बार वो चुनाव जीत चुके हैं, अगर वो इस बार भी जीतते हैं तो वो उनकी तीसरी जीत होगी। इसी के साथ ही अगर हम बीएसपी की बात करें तो उन्होंने सामान्य चेहरे को मैदान में उतारा है सच्चिदानंद पांडे के रूप में। और अगर वहीं हम इंडिया अलायंस यानी कि समाजवादी पार्टी की बात करें तो उन्होंने अवधेश प्रसाद को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में जनता का मूड क्या है, यहां पर तमाम जो लोग हैं श्रद्धालु हैं वो रामलला का दर्शन करने भी आए हैं, बाहर से बहुत सारे लोग हैं और हम जिस चौराहे पर मौजूद है उसे लता मंगेशकर चौराहा कहा जाता है, लता चौक कहा जाता है। जानी मानी गायिका लता मंगेशकर जी को ये चौक जो है वो समर्पित किया गया है मोदी सरकार की ओर से। ऐसे में लोगों से जानते हैं कि आखिर उनका रुझान क्या है, उनकी सोच क्या है इस चुनावों को लेकर के। मैम क्या नाम है आपका? नमिता मुखर्जी। कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा ये बताइए कि अयोध्या पहली बार आई हैं या आ चुकी हैं? नहीं मैं तो पहली बार आई हूँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। हम दोनों फ्रेंड आए हुए हैं। ये बताइए कि इस बार सरकार किसकी बन रही है? सरकार तो मोदी जी की है। अच्छा केजरीवाल आपको अच्छे कैंडिडेट नहीं लग रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में? अब क्या बोल सकते हैं, बस हमें तो मोदी जी पसंद है। हमें तो उनका काम बहुत अच्छा, महिलाओं को लेकर के बीजेपी बहुत काम कर रही है सुनने में आ रहा है। हाँ बहुत बहुत। सर क्या नाम है आपका? करण चौधरी। कहाँ से? मुरसान, हाथरस। हाथरस। ये बताइए उत्तर प्रदेश में बाबा का एक्शन कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। अच्छा अयोध्या पहली बार आए हैं या आ चुके हैं? पहली बार आए हैं। कैसा लग रहा है अयोध्या? बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। ये बताइए कि मोदी जी का कामकाज कैसा है, क्या वो प्रधानमंत्री बनेंगे अगली बार? बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। राहुल गांधी? नहीं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम टिंकू ठाकुर है। कहाँ से हैं? हम बंगाल से हैं। अच्छा ये बताइए ममता बनर्जी कैसा काम कर रही है? जैसे कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं हम लोग का बंगाल के लिए, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए मोदी जी को हम देखना चाहते हैं। ममता बनर्जी नहीं? देखिए ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल के लिए ठीक है, वो इंडिया पूरा प्रधानमंत्री को नहीं बन सकता वो। अच्छा ऐसा मोदी ने कहा, क्या काम किया है कि मोदी बेस्ट है? आपने खुद देख रहे हैं क्या काम किया है मोदी जी ने। कभी सुने यहाँ पे राम मंदिर था कभी भी? अभी हम लोग का सौभाग्य जो हम लोग यहाँ आए हैं दर्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर मोदी जी नहीं रहते तो ये मुमकिन नहीं रहता, इसलिए हम मोदी को ही देखते चाहते हैं। लेकिन विपक्ष वाले तो ये कह रहे हैं कि मंदिर बना देने से कुछ नहीं होता, रोजगार नहीं मिल जाएगी, महंगाई नहीं मिल जाएगी, युवा बहुत परेशान है।
नहीं, विपक्ष वाले खुद उसका पैसे पॉकेट से दिया गया पैसा, इधर सबका ही पैसा से दिया ना। हम लोग तो दक्षिणा दिए हैं, हम लोग का जितना डोनेशन था वहाँ से बच गया है, इंटरेस्ट में सब मंदिर हो गया है, तो उससे कैसे कैसे क्या जाता है, ये हम बात है। और राहुल गांधी पीएम के कैंडिडेट पे आपको नजर आते हैं कि बढ़िया है वो नेता? हम उसको सब्सक्राइब के नहीं देखते, राहुल गांधी कैसे है नहीं इसका उसके बारे में हम नहीं जानते राहुल गांधी के। सर कहाँ से आप? हम से गोंडा से हैं। अच्छा ये बताइए कि योगी जी का कामकाज कैसा है? बहुत बढ़िया है जी, हम लोगों को काम करने के लिए अब यूपी में रोजगार मिल रहा है, पंजाब में रहते थे वहाँ से यही रोजगार मिल गया है। अच्छा राम मंदिर बनने के बाद रोजगार मिल रहा है? हाँ मैं अभी आया हूँ, 4-5 दिन हुआ है पंजाब से, अब यही काम करने लगे। हम वहाँ के लोग बहुत बोलते हैं ना, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ यूपी के लोग आ रहे हैं, तो हम हमारे वहाँ कहते हैं मंदिर तुम्हारे वहाँ बन गई आप वहाँ जाइए, तो हम लोग कहें कि चलो वहीं पर चले अपने ही यूपी में काम करेंगे। वहाँ तो भगवंत मान की सरकार है, भगा रही है आप लोगों? हाँ भगवंत मान की सरकार, वो सारे जो पंजाब के वो कहते हैं यूपी में जाओ आप लोग यहाँ क्या क्या करने आते हो, आपके यूपी में मंदिर बन गया वहीं जाकर रोजगार करो, हम लोगों को यहीं रोजगार मिल गया जो माड़ा मोटा यहीं कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं? हम लोग तो मोदी को बना रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। मैम क्या नाम है आप? नीलू चांडक। कहाँ से आप? महाराष्ट्र लातूर। अच्छा ये बताइए कि मोदी जी का कामकाज कैसा लग रहा है? सुनने में आया कि महिलाओं को लेकर के ये बीजेपी ज्यादा काम करती है। बहुत अच्छा काम है, हम बहुत खुश हैं अयोध्या को देख के। पहली बार आई हैं? हाँ पहली बार। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री किसको बना रही हैं? मोदी जी। राहुल गांधी? नो अब फिलहाल तो मोदी जी, क्योंकि और ऐसे अच्छे अच्छे मंदिर बनाना है, इंडिया को डेवलप करना है। और मंदिर चाहिए आपको? मथुरा में जन्मभूमि चाहिए? यस। मैम क्या नाम है आपका? कविता। कहाँ से आप? हम राजस्थान से। अच्छा आप भी राजस्थान से। कैसा चल रहा है वहाँ पे, बीजेपी की नई नई सरकार बनी है? बहुत अच्छा चल रही है, बहुत अच्छा चल रही है। अब मोदी जी का काम कैसा है? बहुत अच्छा चल रहा है। अगली बार आएंगे या फिर कोई और सरकार? मोदी जी आएंगे। राहुल गांधी? नहीं 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 नहीं। मैम क्या नाम है आपका? राजेश्वरी सोनी। कहाँ से? तेलंगाना हैदराबाद। अच्छा ये बताइए कि कैसा चल रहा है मोदी जी का कामकाज देश भर में? देखो जैसा हम अपने आप को खुश रखते हैं, हम अपनी तारीफ नहीं कर सकते हैं, वैसे हम भारत की तारीफ तो करते ही हैं, वो तो आज हमारी भारत की तारीफ पूरा वर्ल्ड कर रहा है, इससे तो बहुत 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 खुशी भी हो रही है। हम ऐसे लग रहा है हम तो संस्कृति से और संस्कारों से अपने बच्चों को और हम जुड़ते जा रहे हैं। अच्छा लेकिन बहुत सारे नेता हैं जो ये कहते हैं कि मंदिर बना देने से रोजगार नहीं मिल जाता। मंदिर बनाने से तो कईयों के रोजगार मिल गए हैं, कईयों को रोजी रोटी मिल गई है, कईयों के काम चालू हो गए हैं, कईयों के चूल्हे जल रहे हैं। आज मोदी जी है तो उनको सभी को ही व्यवस्था मिल रही है, सुख सुविधाएं मिल रही है। बहुत 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 अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। तो आपको लगता है मोदी जी आएंगे या फिर राहुल गांधी? 4000 वोटों से भी ज़्यादा वोट से आएंगे मोदी जी तो।